सवाल नंबर दो है कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 3E का। सवाल नंबर दो है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका कहना है यदि द्विघात बहुपद पी अक्ष के लिए, यदि द्विघात बहुपद पी अक्ष के लिए, किसके लिए, पी एक्स के लिए, हाँ पी थ्री बराबर 6 हो तो पी एक्स माइनस 6 का, पी एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड लिखें। पी एक्स माइनस 6 का क्या लिखना है, एक गुणनखंड लिखना है। पी एक्स माइनस 6 का एक क्या लिखना है, गुणनखंड। यहाँ समझिए पी थ्री बराबर कितना है जी, 6। पी थ्री बराबर कितना है, 6। समझिए तो यहाँ समझो लिखेंगे पी थ्री पी एक्स, लिखेंगे पी एक्स बराबर 3। यहाँ समझो तो लिखेंगे पी सब एक्स बराबर 3 तो एक्स प्लस में इधर आएगा माइनस में 3 बराबर में 0 तो एक्स माइनस 3 जो हो गया, या इसका क्या हो गया आंसर, उतार लीजिए।